वेलकम टू जैक एमटीवी रोडीज कर्मिया कांड को पावर्ड बाय वाइल्ड स्टोन। अरे नेक्स्ट कंटेस्टेंट आजा भाई। हेलो, हाय हाय, हाय शयान, हाय 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 एवरीवन। यार अपने बारे में कुछ बताओ यार। या सो आई एम शयान, आई एम 24, आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में। डांस कर लेते हो? आता है बट कोई ना, हमें भी नहीं आता, हम तेरे साथ नाचेंगे। चल शुरू हो जाते। देखो भाई ये ना डरता है बात करने से लड़की से, ऐसे तो क्यों? हमने सिंपल बोला कि चल एक काम करते हैं, तूने आज तक किसी को प्रपोज किया? यस किया। फ्रेंड जोन हो गया। फ्रेंड जोन हो गया। यहाँ ट्राई करो हमारे सामने, वी वांट टू सी इफ यू आर गुड और बैड। शुरू करो। शुरू करो। लेट्स अज्यूम यू आर सिटिंग एट अ कैफे, आई एम गोना अप्रोच यू। Okay, sure. Okay, you're busy enjoying your food, okay. Your drinks, working on your laptop. La 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 la. I'm so alone and pretty. Sorry to disturb you. I'm actually looking for my phone. Do you mind giving it a ring? You just okay. Left it right here. Let's fit in. This is such a bad thing. Sun meri baat. Give me your hand. There is nothing to worry about. लड़कियाँ बिल्कुल भी काटती नहीं है, हम लोग इंसान हैं आपकी तरह, और आप नॉर्मल इंसान की तरह अगर किसी को अप्रोच करोगे एज अ फ्रेंड, तो लड़की भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगी। ओके। क्यों ऐसा क्यों लड़कियों से क्यों डरता है, क्या मतलब, क्या तेरे माइंड में लड़कियों से? मतलब आई नो आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि लड़कियाँ जरूर बात करती होंगी इससे, तो करती हैं, अब करती हैं, बट आज से कुछ साल पहले, बिकॉज आप लोग जो देख रहे हो कि शक्ल सूरत बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं था, I used to look like a completely different person. तो girlfriend तो दूर की बात है, कोई friend भी नहीं थी मेरी। ये motivation कहाँ से आई अपने आप को change करने की? Fire कहाँ से आया? This happened 2 years ago when after I lost my sister. Oh shit, I'm so sorry bro. Sorry. अगर आप okay हो तो बता सकते हो, पूरा explain कर सकते हो क्या हुआ था? So she was found unconscious at a place. And it was a brain hemorrhage. उसके जो brain stem होता है उसमें clot था. So after that she never came back to consciousness. And a week after that she passed away. चल अब तेरे comfort zone में चलते हैं. Calisthenic करते हैं अभी. बिल्कुल. देख तेरे सामने सारी चीजें हैं, तू जो जो दिखा सकता है करके वो दिखा दे. Wait. थोड़ा हिल रही है इसको, चल। अगर तुम्हें हम तीनों में से किसी को चूज करना, आप किसे चूज करोगे? गैंग लीडर। वेरी नाइस। अरे फॉर्म पे लिखा हुआ है उसने यार ऑलरेडी। क्या लगता है गैंग लीडर्स? आई लाइक हिम। ओके देन। जान, आपको दो जनों ने प्रूव कर दिया, इसका मतलब आप रोडी हो। चलो ये भी छोड़ दो, दो ने नहीं किया, तीन ने किया यार। अब रोडी। तैयार हो? यस सर। तो शुरू करें। यस सर। थ्री टू वन, ऑल द बेस्ट गाइस। चलो चलो भाई। क्या बात है, क्या बात है? आपको फ्री हक चाहिए, आप कितना पे कर रहे हो? हो गया, हो गया, कितना पे हो गया? 250 करोगे तो हक। अरे आकृति पे कर चुके हैं, कोई बात नहीं, 50 और कर देंगे। आकृति येड़ी हो गई है, बोलती है फ्री हग, आ जाओ सिड्डू का मचा दो बंटाई। ये बंदी है ना किल करेगी ब्रो, थोड़ी डिफरेंट नारी, इसकी तीखी नैन कटारी, अरे इससे मत उलझियो, जे तो जाने दुनियादारी। ये
टास्क के बाद ना ये बंदी को देखने का नजरिया मेरे दिमाग से फटाक चेंज हो गया। ये बंदी गैंग के लिए कुछ भी कर सकती है, उस टाइम पे समझ गए। Once a cheater, always a cheater. Ryan, कितने? एक, दो, दो. Ryan, two, Vasu, two. Prince. जी भाई. Expect किया था भाई? हाँ हाँ भाई, मैं मतलब 16-17 तो हैं. क्योंकि immunity छीन के देनी पड़ी थी उसकी. नहीं immunity छीन के नहीं, क्योंकि भाई वो तो बेचारे अपने गेम खेलना चाहते हैं, मैं देख पा रहा हूँ वो खेल नहीं पा रहे क्योंकि लीडर्स का प्रेशर है और उसके चक्कर में उनको वहीं करनी पड़ रही है और वो लॉजिक है, ठीक है कर लो भाई। मैं तो कह रहा हूँ जल्दी खाली कर दो, उसके बाद देखता हूँ क्या गेम होगी, तब मजा आएगा। चलिए देखते हैं अगला मजा। ये जो लॉट था वही देख के काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सा फील आ रहा था, क्योंकि तीनों लड़के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ही नेक टू नेक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गाइस गेट रेडी, बी फोकस्ड, जोश में होश नहीं खोना। वाशु ये लाइन आपके लिए है मेरे भाई। इस राउंड में तो मैं इतना ज़्यादा श्योर था कि ये तो पूरा का पूरा राउंड ही वासु का है, बस वासु का जो पुरानी आदत थी हगने की वो वासु ना करे। 3, 2, 1, go. Come on, let's go. बढ़िया वासु, वासु अपने चल चल चल। Stand up. टास स्टार्ट होता है और तीनों लड़के फुल थ्रॉटल से चढ़ने लग जाते हैं। चल 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 शिवी। चल जा भाई, चल जा। जा जा बमले। प्रिंस भाई की गैंग में से मास्टर ऑफ आ चुके थे, वो थे वाशु। वासु को हम क्या ही बोल सकते, इजिली राउंड जीतने वाले थे, भाई ने हट दिया फिर से। आराम से आराम से आराम से जाए, गिर गया, एक गिर चुका ऑलरेडी, आराम से। बोला ना मैंने ऊपर मत लगा यार, तू जीत रहा था। ये वाशु ने उस बॉम्ब को गिराकर एक चीज तो क्लियर कर दी कि हमें राहत की सांस मिली और अब ये कंपटीशन होने वाला है बिटवीन गौतम सर की गैंग और हमारी गैंग। आराम से जा जा जा, जा। वाशु ने इतनी फास्ट क्विकली ऊपर चढ़ा, एकदम परफेक्टली, एंड वो ऊपर पहले पहुंचा। जा जा ऊपर जा, आराम से ऊपर जा, टाइम का भी होगा सीन, आराम से हिट करना, हाथ से रस्सी पकड़ के। ऊपर चढ़ने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिली कि जो लोग बोलते थे कि काफी चीजें कि मैं वोट आउट में बोलता हूँ वैसे बात बोलता हूँ, मैंने हर टास्क के अंदर उनको प्रूव करके दिखा दिया कि मैं टास्क के अंदर भी कर सकता हूँ, तुम्हारी अगर बारी आई। पहले हिमांशु जाएगा। 3, 2, 1, go. जैसे उसने बॉम्ब स्पॉट पे गिराया। आके मत रोल कर शिवित। शिवित की साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती है कि वो बोल रहा है कि आशिका को कि धक्का मत दे, मतलब व्हिच इज वेरी वेरी वियर्ड। सेक्सिस्ट। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सेक्सिस्ट? या। डू यू नो? व्हाट डू यू नो? नो नो, व्हाट डज दिस वर्ड हियर? पता नहीं कहां से इस भूमिका के अंदर का कीड़ा जागा और मुझे बोलती है सेक्सिस्ट। जब तो लड़कियां भी लड़ सकती है तो लड़के भी। मैंने ये नहीं बोला, सुनो, मैंने क्या उसे मानना, मैं पास था, मैं हाथ ना उठाता, तो बस मैं उसे बाहर बताता जरूर, मैंने उसे कहा शो में मत उठा, मेरी गैंग से एक बाहर जाएगी। तुझे ये पता है बोला मैंने, तू लेकिन होमोफोबिक है, तू ट्रांसफोबिक है। तू मुझे बताएगी कि मैं होमोफोबिक हूं या नहीं? तू है, तूने बोला है? दो विटनेस खड़े हैं तेरे सामने। मैं होमोफोबिक हूं, कब बोला मैं? ट्रांसफोबिक है, होमोफोबिक। क्या बोला? मैंने नहीं बोला कभी। जीजाओ क्या बोला था? क्या बोला बता? इसने बोला था कि ये तो लड़का है, ये तो लड़का, वो तो लड़की है ही नहीं, हम टास्क के बारे में बात कर रहे थे, बोले थे कि नीजा भी दूसरा। मैंने क्या बोला? एग्जैक्ट लाइन बता। तेरी बोलती बंद हो गई थी वहां पे।
भूमिका को सिर्फ एक काम आता है, छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाना। उसको सिर्फ एक बार मैंने नीरजा को मजाक में लड़का बोल दिया था, उसे एक मजाक को उसने बना दिया कि मैं होमोफोबिक हूँ, ट्रांसफोबिक हूँ। दे हो जाओ, तू बड़ा हो जा, मैं कभी नहीं रोता। सुनो, होमोफोबिक हाँ मैं हूँ, मेरी चॉइस है। ओह माय गॉड, मेरी चॉइस है, देख मेरी चॉइस है, बोल लिया, ठीक है ठीक है, यही तो सुंदर था, यही सुंदर था, पहले मत बन, तू पहले मत बन। ओ तू बंद बंद, शेरी बार में गालियों के अलावा तुझे टास तो समझ में आता नहीं है, टास में हक्कर आता हर बार, आप भी बोलते सॉरी, आप तो आप तो करती भी नहीं हो, भाई जब करूंगी ना, जब मैं करूंगी, आपको तो चूज ही नहीं करती गैंग लीडर, जब मैं करूंगी तब गैंग लीडर चूज ही नहीं करती, मैं खड़ी हूं, मैं भी खड़ी हूं, तभी तो टास में कभी चूज नहीं करती, पता है बकबक करेगी बस शो में और कुछ नहीं करेगी, सबको पता है, मेरा मुंह मत खुलवाना, तू क्या खिलाया बंदा मेरे पे, सुनो बोलना, मैं जैसे शो से बाहर जाऊंगा ना, एक स्टोरी डालूंगा आपके लिए, उस दिन बस उस दिन ना तेरी लग जाएगी, एक कॉल रिकॉर्डिंग होगी आप ही की, हाँ, क्योंकि आपने किसी को कॉल किया था, याद रखना, किसको कॉल किया था मैंने? वो आपको मैं बाहर बताऊंगा, अभी नहीं बोल रहा हूँ, किसको कॉल किया था? आपकी इज्जत बचा रहा हूँ बस, धमकी नहीं, मैं मुंह पर बता रहा हूँ, गलत है भाई, सुन मैं धमकी दे रहा हूँ, सुन कुछ गलत नहीं है उसमें, सब बातें शो से रिलेटेड है, वो जो बोलता है वो दूसरे लोगों को ट्रिगर करता है, तो तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, आपने मुझे सेक्सिस बोला, आपने मुझे होमोफोबिक बोला, मैंने आपको क्या बोला? तू है लेकिन, ठीक है मैं हूँ तो मेरी मर्जी, मैंने बोलती हाँ क्या है, तुझे पता है मेरी बैक स्टोरी है, एडमिट कर लिया है, मेरी बैक स्टोरी क्या, तुम्हें पता है, ट्रांसफोबिक एंड ये मर्द है, थोड़ा सा बायोलॉजी तूने पढ़ी होती तेरे को ये चीजें समझ में आती, तीन भूमिका दो, अगले जो तीन वोट्स हैं वो प्रेम के खिलाफ नहीं है, आज तो आ गए, अगला जो नाम है वो है शायन, तू बांध ले अपना सामान, बांधा हुआ है, और आखिरी वोट भी शायन, शायन प्रेम आ जा मेरे भाई, हाँ भाई तुम जो आते छोड़ गया मेरे को, अब तो बोल ले, डिसअपॉइंटेड तो मैं हूँ क्योंकि परफॉर्म करके एंड शाइन करके नहीं जा रहा हूँ, बट मैं ये नहीं बोलूँगा मैं सैड हूँ, बिकॉज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं शो के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बात है शो पे आना, एक तो ऊपर से इस जर्नी में इतने आगे तक आना, मेरे जैसे आदमी को जो मौका मिला यहाँ पे आना बहुत ही बड़ी बात है, सो थैंक यू सो मच शाइन, थैंक यू सो मच प्रेम, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, करते रहो, ऑल द बेस्ट मैन, डू वेल, बाय गाइस।